मैं मालेगांव जा रही हूँ हमारे सेंटर पे, वहाँ पर बिहू का रिहर्सल चल रहा है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? ये वीडियो मैंने कल शूट किया था। ये जगह है भंगागढ़ बिग बाजार के सामने और ये है बिग बाजार। मैं बिग बाजार थोड़ा जाऊंगी, मुझे थोड़ा मार्केटिंग करना है और ये मैं बिग बाजार पहुंच गई, पर बैड लक बिग बाजार बंद था तो मैंने सोचा कि मैं मालेगांव चली जाती हूँ क्योंकि अभी रिहर्सल भी शुरू होने वाली है। बस के अंदर से मुझे ब्रह्मपुत्र दिखाई दे रहा है, एकदम भर गया है पानी से क्योंकि बारिश दिया था। अभी मैं सेंटर पहुंच गई हूँ और यहाँ आकर देख रही हूँ कि मैम बच्चों को पढ़ा रही है। नाम क्या है? आर्यन। तुम्हारा नाम ईशु? हमारी ऑर्गेनाइजेशन कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली है और अभी जफरीन बच्चों को पढ़ा रही है। जफरीन एक स्कूल टीचर है तो उसे पता है कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, उसे टेक्निक सब कुछ आता है। अभी वो देखिए कितना सुंदर बच्चों को SMS OR सिखा रही है, बच्चों को लिखना सिखा रही है। थोड़ी देर में हमारा रिहर्सल स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों आज अर्ली मॉर्निंग मैम ने मुझे फ़ोन किया था कि आज हम सेंटर में नववर्ष सेलिब्रेट करेंगे सब मिलकर। मैम ने सुबह सुबह सब कुछ मैनेज कर लिया है, माला लाई है घर से, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का एक फ़ोटो भी लाई है, बहुत सुंदर। मानसी भट्टाचार्य जी दीदी, मैं ऐतिहासिक कॉमर्स कॉलेज मालेगांव गोलीपाड़ा में बेंगोली डिपार्टमेंट में HOD हूँ। शिव और महादेव, महादेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, महादेव भी उनके परिवार थे, उन महापुरुष थे क्योंकि उन्होंने साल हिमालय में तपस्या किया। जो तपस्या कर सकते भगवान को तपस्या करने का कोई जरूरत नहीं होते है। अगर हम लोग थोड़ा टाइम मेडिटेशन करके हम लोग उठे तभी जोर से बात करने का मन नहीं होता है। तो गणेश का जन्म भी हो गया और पता भी नहीं है महादेव को, तो फिर महादेव आके 10 साल तपस्या करके आया था। तो फिर 10 साल तपस्या करके आके कोई अपना बच्चा बोल रहे कि मतलब आप नहीं अंदर आओ, तो उस जमाने में तो था नहीं कि फ़ोन करके ये करके बताए कि मेरा लड़का हुआ। तो फिर वो बोला कि आप नहीं आ पाओगे क्योंकि मेरे को मम्मी ने रख के दिया। तो ऐसे होता है कि हाँ, आप 10 मिनट नहीं 5 मिनट भी आप मेडिटेशन करो या तो कोई मतलब तपस्या कर लो, उसका बाद आपको मन ही नहीं होता है कि आप बात करो, जोर से बात करने का मन ही नहीं होता है। तो वो 10 साल करके महादेव आए तो क्या गला काट देगा अपना बच्चा को? ठीक है, काटा, मान लिया। तो काटने का बाद कुत्ता बिल्ली बहुत कुछ थे कि टाइप का, तो उन्होंने हाथी का माथा क्यों लगाया? तो ये सब जानने का बात है। अभी मेरा बोलने का विषय ये है कि मतलब बोलना चाहती हूँ मैं, मतलब एक मैसेज देना चाहती हूँ कि मतलब कोई मम्मी का पेट में कोई भगवान नहीं हो सकता है, लेकिन वो पूजने लायक है क्योंकि हम लोग को आकार चाहिए पूजने के लिए। और निराकार मतलब निराकार, व्हाट इज़ निराकार वो भी जानना होगा, निराकार क्या चीज़ है। जैसे कोई मर जाता है, मरने का बाद साइंस भी कोशिश किया, बहुत गुरु ये ने कोशिश किया, महापुरुषों ने कोशिश किया कि आत्मा को हम लोग प्लैनसेट भी आता है उसमें, लेकिन वो लोग कोई आकार नहीं देखा, किसी का अंदर घुस के वो बात किया प्लैनसेट में। ठीक उसी तरह जब मरने का बाद हम लोग देखता नहीं है वो जान कहाँ जाता है, इसीलिए परमात्मा को भी देखा ही नहीं जाता है, उनको फील किया जाता है, महसूस किया जाता है। तो कृष्ण को तो हम लोग देखा है, उनका कर्म कीर्ति सब हम लोग को ये है, लेकिन सागर जो है भगवान, तो भगवान को अन्य आप अनुभव कर सकते हो। इसीलिए एक बात है कि गलती और भगवान मानोगे तो आपको अनुभव होगा, फील कर पाओगे। क्योंकि हम बोलेगा हाँ भगवान निराकार है, आप कैसे मानोगे? रिसर्च करो, रिसर्च करके आपका पास रियलाइजेशन आएगा कि कृष्ण को क्यों माना जाता है, ये तो क्वेश्चन आना चाहिए ना। आप बोल रहे हो कि कृष्ण भगवान नहीं है, क्यों क्यों नहीं है? इसीलिए आप भी आज सोलो कला संपूर्ण हो जाओ, देने वाला दाता बन जाओ,
तब आपको सभी देवता बोलेंगे, ठीक है। ओम शांति। और भी बहुत कुछ बात है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इनका नाम है रूमा बेगम, हमारे फाउंडेशन की मेंबर है। देखिए एक मुसलमान लड़की भगवान का पूजा कर रही है, कितना अच्छा लग रहा है ना दोस्तों। यही तो योग है। योग का मतलब ये है आत्मा और परमात्मा का मिलन। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भेदाभेद नहीं है, सब ईश्वर की है संतान है। দেখো দেখো অবস্থা। ভারতীয় ওয়েলনেস এন্ড এন্টারটেইনমেন্ট ইউটিউব চ্যানেললৈ সকলো দর্শকলৈ মোর নমস্কার জানাইছো। অহা 17 এপ্রিলত মালিগত অবস্থিত বৰিপৰা খেলপথাৰত আমি এখন মুকলি বিহু উদযাপন কৰিবলৈ লৈছো। গতিকে আপোনালোকক মই সকলোকে আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ সৈতে সেইদিনা আমাৰ সেই মুকলি বিহু উদযাপনত দেখা পাম বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা মই জাফৰিন হাজৰিকা আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সেইদিন উপস্থিত থাকি আমাক আনন্দিত কৰে যেন। ধন্যবাদ।